सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे फ्री फायर के सीट अप ग्लूवाल वर्सेस फ्री फायर नॉर्मल ग्लूवाल। जी हाँ गाइस, काफी सारे बंदे कंफ्यूजन में रहते हैं, हमको सीट अप ग्लूवाल यूज करना चाहिए या फिर हमको नॉर्मल ग्लूवाल का यूज करना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको क्लियरली बताऊंगा कि नॉर्मल ग्लूवाल यूज करने के उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, उसमें आपको क्या क्या एडवांटेज देखने को मिलता है, एंड आपको बताऊंगा कि सीट अप ग्लूवाल बड़े बड़े प्रो प्लेयर कैसे यूज करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो अगर आपको पूरी जानकारी जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। एंड इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नया रहो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्री फायर के ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। सो लेट्स गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अभी गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको ग्लूवाल का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये है सीट अप ग्लूवाल, इसको बोलते हैं गाइस सीट अप ग्लूवाल। इसको ज्यादातर बड़े बड़े प्रो प्लेयर यूज कर पाते हैं क्योंकि इसमें आपको थोड़ा दिक्कत लगता है इसको यूज करने में। एंड यहाँ पर आपको ये जो देख सकते हो इसको बोलते हैं नॉर्मल ग्लूवाल, जो कि आप लगाते हो, मतलब कि शुरुआत में जो प्लेयर आते हैं वो लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल ग्लूवाल। इसको लगाने में काफी आसानी होती है, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होता। तो अभी यहाँ पर गाइस आपको दोनों एग्जांपल अच्छे से दिखा दिया, तो यहाँ पर ही आपको बताता हूँ कि किसको यूज करने में आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है, किसको यूज करने में आपको ज्यादा सरलता जाएगा, एंड आपको बताऊंगा कि कौन सा ज्यादा बेस्ट है। तो देखिए, यहाँ पर जो नॉर्मल ग्लूवाल होता है उसको लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी आपको पूरा नॉर्मल ग्लूवाल के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको सिंपल से ऊपर से यहाँ पर देख सकते हो ऐसे स्वाइप करके नीचे लाना है, एंड सिंपल से फायर बटन को क्लिक करके ग्लूवाल को लगा देना है। इसको बोलते हैं नॉर्मल ग्लूवाल, इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होती, इसको हर बंदे लगा लेते हैं। लेकिन अगर बात करें सीट अप ग्लूवाल की, तो सीट अप ग्लूवाल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सिंपल से आपको ऊपर से आपको नीचे स्वाइप करना पड़ता है, एंड आपको बैठना पड़ता है। उसके बाद आपको फायर बटन को प्रेस करके आपको वापस से रनिंग के बटन को प्रेस करना पड़ता है, मतलब यहाँ पर बैठना पड़ता है, वो एक अलग प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि सीट अप ग्लूवाल के बहुत अपने अपने फायदे हैं। देखिए, अगर आप क्लोज रेंज में फाइट कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज में तो आप कोई भी ग्लूवाल को लगा सकते हो, मतलब कि जब लॉन्ग रेंज का फाइट होता है तो वहां पर आप चाहो तो नॉर्मल ग्लूवाल भी लगा सकते हो, सीट अप ग्लूवाल भी लगा सकते हो। लेकिन देखिए, जब क्लोज रेंज का फाइट होता है ना, तो वहां पर ग्लूवाल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपको पता ही होगा कि लॉन्ग रेंज के फाइट को तो बंदे लोग ऐसे करके जीत ही जाते हैं, लेकिन जो क्लोज रेंज के फाइट होते हैं ना, वहां पर जब चार चार बंदे आते हैं तो बंदे तो भाई देख के ही बंदे को डर जाते हैं, क्या करूं हो जाता है। तो ऐसे सबके साथ हो जाता है। तो क्लोज रेंज में फाइट करने के लिए ग्लूवाल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए, क्लोज रेंज के फाइट में गाइस आपको तुरंत से ग्लूवाल लगाना पड़ता है, मतलब कि आपका जो ग्लूवाल है वो पास में लगे एंड एकदम से स्पीड में लगे। अब पास में लगेगा मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपका, मतलब आपके सामने जो एनिमी है वो बिल्कुल आपके पास में है, आप उसको फायर कर रहे हो, उसके बाद आपको ग्लूवाल लगाना है। अगर आप नॉर्मल ग्लूवाल का यूज करोगे ना, तो वहां पर स्वाइप करके ऊपर से नीचे लाओगे तो वहां पर जो ग्लूवाल और आपका डिस्टेंस रहता है, मतलब ग्लूवाल और आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो बिल्कुल मतलब पास में नहीं रहता, बहुत दूर में रहता है। लेकिन अगर सीट अप ग्लूवाल की बात करें, तो बैठ कर जब ग्लूवाल लगाओगे ना, तो जो डिस्टेंस है गाइस बिल्कुल एकदम पास में चिपक कर ग्लूवाल लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी फायदी है, इसी को आपको बताना चाह रहा था कि पीसी प्लेयर जो होते हैं क्लोज रेंज में फाइट करते हैं, तो वहां पर गाइस वो लोग हमेशा सीट अप ग्लूवाल का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्लूवाल है आपके सिर्फ एकदम नजदीक में लगता है, एंड गाइस आपको पूरा मतलब चारों तरीके से एक तरीके से कवर कर देगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर बात करें नॉर्मल ग्लूवाल की, तो वहां पर देखिए, आप क्लोज रेंज में फाइट करोगे तो ग्लूवाल तो भाई साहब सीधा एनिमी के उस साइड ही लगेगा, अगर एकदम पास में है तब भी एनिमी के उसी साइड मतलब ग्लूवाल लग जाता है, इस साइड लगता ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपको खड़े खड़े में लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप बैठ कर लगा रहे हो तो उसमें आपको एकदम क्लोज रेंज में फायदा देखने को मिलेगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज हो सकती है। एंड आपको बता दूंगा, इसकी सीट अप ग्लूवाल लगाने आप सोच रहे हो बहुत बड़ा प्रोसेस लगता है, तो मुझे भी उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगा था। और कैसे आप ये सोच रहे हो कि फ्री फायर का जब से शुरुआत से हम खेल रहे हैं हम नॉर्मल ग्लूवाल का यूज करते हैं, अभी हम इसको चेंज करेंगे मतलब कि सीट अप ग्लूवाल लगाएंगे तो काफी दिक्कत होगा, तो हाँ यार दिक्कत होगा शुरुआत में, लेकिन इसको फायदा बताता हूँ। आप एक बार जब सीट अप ग्लूवाल में लग जाओगे ना, मतलब आपका हाथ उसमें बैठ जाएगा, तो आपको नॉर्मल ग्लूवाल लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसी में एकदम से परफेक्ट शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन गाइस सीट अप ग्लूवाल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ईजी होता है, आपको सिर्फ एक वीक इसमें प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद गाइस आपका जो ग्लूवाल है बहुत अच्छे से लग जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ एक वीक प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको ग्लूवाल लगाना बहुत ईजी से हो जाएगा। मतलब इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि भाई बैठना भी है ग्लूवाल भी लगाना है, वैसा कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, आपका जो ग्लूवाल लगेगा वो बहुत जल्दी जल्दी लग जाएगा। सो गाइस, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं नॉर्मल ग्लूवाल का बिल्कुल भी यूज नहीं करता, कभी कभार हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा सीट अप ग्लूवाल का यूज करता हूँ। इसमें मैं काफी प्रैक्टिस किया, उसके बाद गाइस मेरा सीट अप ग्लूवाल बहुत अच्छे से लग जाता है, एंड गाइस मैं तुरंत से क्लोज में सीट अप ग्लूवाल लगा लेता हूँ। और काफी सारे बंदे तो ऐसे होते हैं गाइस जिसको सीट अप ग्लूवाल के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता, सीट अप ग्लूवाल क्या होता है, मुझे भी शुरुआत में पता नहीं था। लेकिन आपको बता दूं, इसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इसका प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको बताता हूँ प्रैक्टिस कैसे करना है। अब देखिए, इसका प्रैक्टिस हमेशा कस्टम में ही हो पाता है, मतलब कस्टम में अनलिमिटेड ग्लूवाल रहता है, तो वहां पर फायर करोगे या फिर आप सिंपल से बैठकर ग्लूवाल लगाओगे तो ऐसे
समय प्रैक्टिस आपका हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर आप चाहो तो आप क्लास स्टार्ट में ही कर सकते हो, बस आपको ग्लू हॉल नहीं लगाना है। मतलब कि वहाँ पर आपको जो लिमिटेड ग्लू हॉल मिलता है एक या दो ग्लू हॉल, तो वहाँ पर सिंपल सा फायर करना है एंड ग्लू हॉल को हाथ में लेना और बैठ जाना। उसके बाद किसी आपको कुछ नहीं करना, मतलब ग्लू हॉल को लगाना नहीं है, बार बार आपको वैसे ही फायर करना है एंड बैठना है और ग्लू हॉल को हाथ में लेना है। ऐसे में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस किया था। सो अभी गाइस आपको पूरा जानकारी अच्छे से दे दिया। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सीट अप ग्लू हॉल ही लगाओ, क्योंकि बाद में जब आप चेंज करोगे ना सीट अप ग्लू हॉल तो काफी दिक्कत होगा। अभी से सीट अप ग्लू हॉल लगाना स्टार्ट कर दो, बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बाद में आपसे हमेशा सीट अप ग्लू हॉल ही लग पाएगा। तो गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्री फायर के ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। सो लेट्स सी गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।